फास्ट न्यूज इंडिया, मैं हूं साथी। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। बिहार में अनिश्चितकालीन अनशन सफल बनाने के लिए विजय दिवस के अवसर पर संस्कार शाला का उद्घाटन किया गया। संस्कार शाला में प्रतिदिन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, संस्कार एवं कॉपी कलम किताब वितरित किया जाएगा, जिसमें आरएसएस के विभागीय बौद्धिक प्रभारी देव नारायण सिंह उपस्थित रहे। साथ में क्रांतिकारी योग प्रचारक अंगद कृष्ण गोपाल, आरएसएस के प्रखंड प्रभारी चंद्रशेखर आर्य, अजय सिंह उपस्थित रहे। यह महाराजगंज में बहुत ही बड़ा अनिश्चितकालीन अनशन होगा। बिहार से हमारे संवाददाता कौशल कुमार की रिपोर्ट। से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करने के बाद फिर आगे आपका आशीर्वचन स्वरूप हम सभी को प्राप्त होगा। तो दीप प्रज्वलन के लिए प्रांतीय रामानंद देव जी, नगर कार्यवाह जी, अपने योग प्रचारक अंगद जी, मास्टर मनोज जी और आचार्य जी आ जाइए शुभारंभ के। बलिया में सिकंदरपुर क्षेत्र के जिगिरसरड में गांव में आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के पशुधन लघु सिंचाई एवं मत्स्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पूजा पाठ के साथ बृहद गौ संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व जिला पंचायत सदस्य एच एन पाल ने मुख्य अतिथि बघेल को चांदी का मुकुट, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र व अन्य अतिथियों को अंग वस्त्र माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य एच एन पाल, प्रभारी जिलाधिकारी बी एन सिंह, यूपी आर एन एस अधीक्षक अभियंता जेपी सिंह, डॉक्टर विनोद सिंह, हरिंदर वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय की रिपोर्ट। बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में कितनी गौशाला बना रही है? संपूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 1,20,00,000 की लागत से प्रथम चरण में बना रही है और सब जगह 50,00,000 रुपए निर्गत भी हो चुका है, जिसका आज शिलान्यास हुआ है। और कॉस्ट तो इसकी सवा 2,30,00,000, जिसमें कर्मचारियों के भवन आपने देखा होगा, एक दवा खाना बन रहा है, इसका मतलब यहाँ डॉक्टर भी रहेगा, शेड बनेंगे, खिलाने की लड़ौरी मिलेगी, पानी का पंप मिलेगा, भूसे का गोदान बनेगा और उनके शेड बनेंगे, क्योंकि बलिया में 42-43 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाता है और 5 भी हो जाता है, ऐसे में गाय मर सकती हैं। तो पूरा उनके लिए गौ संरक्षण सदन होगा, ऐसे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। और जो हमारे बुंदेलखंड के जिले हैं जहाँ अन्ना प्रथा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी और ज़्यादा बना रहे हैं। सर, गौशाला की बात की है तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो गाय मर रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, गौशाला ये उतनी बन रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, हम उसको बनाने के साथ उसके भरण पोषण का भी इंतजाम कर रहे हैं। मैंने कहा ना 30 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से पूरे 365 दिन का उसका पैसा भी। सर, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, चुनाव में 3 राज्यों से सफाया हो गया, इसके कारण क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है एंटी इनकम्बेंसी है लगातार, बल्कि मैं आज बताऊं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, हम लोगों ने जब शपथ ली थी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपने अफसरों को लेकर के भोपाल और रायपुर जा करके उनकी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समझ करके आओ। हमारे खाद्य मंत्री रायपुर जा करके वहाँ की खाद्य वितरण प्रणाली को, कि चावल वाले बाबा आखिर गरीबों में इतने पॉपुलर क्यों, सीख करके आए। मुझे लगता है कई साल हो जाते हैं ना, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, तो लोगों को लगता है लेटेस्ट ट्राई, किसी दूसरे को देखें, तो वो फिर पुराने को ही रोते हैं। मैं आज गारंटी के साथ इस बात को ऑन रिकॉर्ड रखना, अगले साल अगर इन्हीं लोगों को घर से बुला करके कुर्सी पर ना बैठाया जाए, शिवराज सिंह चौहान को और रमन सिंह को और वसुंधरा राजे को, क्योंकि अब तुलना होगी। सर, कमलनाथ ने एक चादर ठंड में नहीं काटी है, वो शिवराज सिंह चौहान ने काटी है, वही रमन सिंह ने किया जो वहाँ दूसरे निकल, और ये जो बने, तो कहने का तात्पर्य ज़्यादा साल होने पर ये हुआ है। लेकिन दिल्ली का चुनाव, प्रधानमंत्री जब एक तरफ खड़े हों और दूसरी तरफ संपूर्ण विपक्ष के नेताओं का कद जुड़ने, तो भी प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं हो रहा, तो अगला चुनाव देश को देखते हुए होगा, गली नाली खरंजा और इनको लेकर के नहीं होगा, देश के मान सम्मान को देख कर होगा। उसमें मोदी जी को जैसे मैंने यहाँ पूछा कि एक चांस और मिलना चाहिए, एक राय से लोगों ने कहा कि उनको एक चांस मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन की लापरवाही से क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ग्राम सभा मुस्तफाबाद के टेकनैया मौजे में जवाहरलाल पटेल के घर में उनकी गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर कुछ लोग पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए और 2,50,000 नकदी, जो कि बोलेरो बेच कर रखा हुआ था, और जेवरात भी चुरा ले। यही नहीं, घर में मौजूद मात्र 2 महिलाओं के साथ छेड़खानी भी किया और उनको डरा धमका कर उनकी बाउंड्री की दीवार भी तोड़ दी। जौनपुर से हमारे संवाददाता दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, हम दीपक सिंह फास्ट न्यूज इंडिया टीवी से मुस्तफाबाद ग्राम सभा टेक्नैया मौजा में खड़े हैं। यहाँ जवाहरलाल जी के यहाँ बिस्तर चोरी की वारदात पर अंजाम दिया गया है
और पीड़ित पक्ष उनके लड़के, आपका नाम लीजिए, राजीत राम जी हमारे साथ हैं। और आप बताएं क्या क्या चोरी हुआ आपके? नकदी ले गए हैं, लोगों के पैसे ले गए हैं, अच्छा, तो लोग जबरदस्ती आपके घर में घुस आए? जी, कौन कौन थे आपने पहचाना? जी, जय प्रकाश कुशलाल, विनीत कुमार, विनीत कुमार। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ आपने कुछ कार्रवाई किया? जी, जो है आने के जो है कुछ कार्यक्रम दिए हैं, जो है मौका देख कर गए हैं, तो और क्या क्या क्षति है आपकी? आपकी लोगों से पहले कोई अदावत थी कि पहली बार इस हुआ है? अच्छा, तो मतलब ये आपका पुश्तैनी झगड़ा एक तरह से कहा जाए, तो उसकी रंजिश में की है? अच्छा अच्छा, और तो गहना कितने का था, लगभग क्या क्या था? जो हार था जो है चूड़ी, लच्छा, काफ़ी सामान था, चावल, काफ़ी सामान था। कितने मूल्य का था गहना तकरीबन? 2 लाख। 2 लाख मूल्य का जी। और नकदी कितना था? 2 लाख। कुल मिला के आपकी लमसम तकरीबन कितनी क्षति हुई? लमसम 5 लाख की नुकसान। 5 लाख। तो पीछे के दरवाजे तोड़ कर आप जी, तोड़ के। और आपकी FIR जो आपने यहाँ से दिया है एप्लीकेशन, उसमें लिखा है महिलाओं के छेड़छाड़ की? जी जी, वहाँ जो दराज घंटा दोनों थे भाई, दोनों डर गए, बहन थी डर गए दोनों। आप बताएं क्या क्या गया चोरी? 3 तोला का हार था, छागल रहा है, आधा किलो के करधन रही, ये मांग टीका रहा है, पायल रहा, ये कुछ सब रहा, 7 थान 8 थान गहना बिटिया पतोहू का रहा है, 5-6 थान बेटी का रहा है, पायल सब ले गए। और अभी गाड़ी बेचे हैं, गाड़ी के रखते रहने के बिलो खिल ले। के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जौनपुर में खुटहन दिहिया गांव के पाल बस्ती में बीती रात गोली चलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोलीकांड में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया। घर वालों के मुताबिक बाहर से आए 3 बाइक सवार बदमाशों ने अलग अलग तख्त पर सोए 3 लोगों में से 2 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से रामकरण पाल निवासी गांव लोहारे थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर एवं दिलीप सिंह निवासी बनकटा थाना रांची सुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर की मौके पर ही मौत हो गई। जौनपुर से हमारे संवाददाता अमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। कैसे क्या मामला था? रात में कनूरी रही और खाए फिर सब सूता रहे, और सोए पे जोन है कि करीब 11:30-12 बजे जोन है 2 आदमी आए और मार के बस सीधे दक्षिण ओर भाग के चला गए मोटरसाइकिल से। मरने वाले का नाम बता दीजिए। मरने वाले एजेंट का रामकरण नाम है, एजेंट का नाम ना बता पाई। कहाँ के रहने वाले थे रामकरण? कादीपुर के उत्तर ओर घर पड़ा था लोहारा। यहां? कैसे हम लोग बता दिए साहब, दूरी की बात है। क्या घटना आपके यहाँ हुई है उसके संबंध में आप ये ग्राम डेहिया में श्रीपाल एक है, उनके यहाँ गाजी मियाँ के सिक्के संबंध में एक प्रोग्राम रखा गया था, उसी में बकरा कटा था जिसमें उनके रिश्तेदार समधी थे रामकरण पाल,
ये आए थे और उनके मित्र से दिलीप से उन्होंने आए थे खाना खा के सोए। अज्ञात लोगों ने सिर में जो है इनकी गोली मार दी है, इनकी मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाई चल रही सर? अभी पंचायत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, कार्रवाई की गई। प्रयागराज में नैनी के अर्वैध चक्र माधव मंदिर के पास झाड़ियों में छिपकर बैठी छात्र नेता नेहा यादव समेत आकीब बलवंत यादव, विवेक मोहित, अजय भारतिया आदि लोगों को पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि ये लोग प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने की तैयारी में थे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। गाड़ी में बैठा लगा मैंने गाड़ी, आप और हमारी गाड़ी ये सभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।